हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु और आप देख रहे हैं अभी आर्ट। आज मैं कोई पोर्ट्रेट नहीं बनाऊंगा, आज आपको मैं अपना स्केच बुक टूर कराऊंगा। और ये है मेरे स्केच बुक का फर्स्ट पेज, ये है मेरा सिग्नेचर जो कि मैं अब हिंदी में करता हूं। और ये पता नहीं मुझसे कैसे छूट गया था। और ये मेरे चाचा का लड़का है। इस पोर्ट्रेट में मैंने वाटर कलर, आई थिंक मिक्स मीडिया का प्रयोग किया था। इसमें पेंसिल कलर, पेस्टल और वाटर कलर तीनों का मिक्सअप है। ये एक्सपेरिमेंटल ड्राइंग थी एक तरह से देखा जाए तो। इसके नेक्स्ट पेज की बात करें तो एक पोर्ट्रेट है जो साधु का है, इसको मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। इसका कलर देखिए, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था जब ये मैंने काम किया। ये अधूरा है, आप देखेंगे कि इसका मतलब पगड़ी जो गमछा है वो एकदम मतलब हल्के कलर में है और नीचे का स्किन डार्क है। ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे ये चीज़ कि मैंने वहीं छोड़ दिया। और ये नरेंद्र मोदी हैं, इनका पोर्ट्रेट भी मैंने बनाया था। और ये भी एक कलर एक्सपेरिमेंट ही कर सकते हैं इसको, ये भी एक अधूरा पोर्ट्रेट है। इसको बनाते वक्त मुझे कलर का एकदम मतलब फ्लो मुझे मज़ेदार लग रहा था। एक मेरे सीनियर हैं, इनका नाम ब्रजेश विश्वकर्मा है, भैया हैं मेरे सीनियर। इनका भी पोर्ट्रेट मैंने बनाया था एक बार, लाइव था ये एक्चुअली में। और ये अक्षय कुमार हैं, इसके लिए मैंने कलर पेंसिल का प्रयोग किया था। पेपर काफ़ी टेक्चर वाला था इसलिए मुझे वो जो मैं सोच रहा था वो प्रभाव नहीं इस पर आ पाया था, फिर भी ये बढ़िया था। अब मैं इसे काफ़ी आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि मेरे जो ड्राइंग है उसमें कितना सुधार हुआ है। रोहित सरदाना है, ही इज द बेस्ट न्यूज एंकर, ही इज माय फेवरेट न्यूज एंकर रोहित सरदाना। और ये अटल बिहारी वाजपेयी, इनका एक्चुअली मैंने बहुत बड़ा काम किया है। ये लेआउट था, ये वाटर कलर है, ये बनारस में मैंने किया है, ये लैंडस्केप। और ये मेरी सिस्टर का पोर्ट्रेट है जिसे मैंने फाइनल किया था पेन से। एक्चुअली में ये अधूरा है, अभी मैंने देखा, इसको फाइनल करूंगा मैं जल्दी, इसका फाइनल मैं आपको दिखाऊंगा ट्यूटोरियल। और ये मेरे भाई का है विपुल कुमार का, काफ़ी मेहनत करी है मैंने इसमें अपने पेन स्ट्रोक को सुधारने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि पहले मेरा पेन स्ट्रोक कैसा था और अब जाके कैसा है। ये भी एक्चुअली पहले का ही है और अब दिखाऊंगा आप थर्ड लेयर मतलब तीन प्रोसेस में समझ सकते हैं कि मेरा कितना सुधार हुआ है। और ये थैनोस, इसका भी पोर्ट्रेट मैंने बनाया है, इसमें काफ़ी मेहनत करी थी मैंने, आप देखेंगे इसको काफ़ी अच्छे से मैंने मज़ेदार था। और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी का पोर्ट्रेट है जिसे चारकोल से मैंने ड्रॉ किया है। जैसा कि मैंने बोला कि ये स्केच बुक है तो इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस भी करी है कलर से। और ये एक ड्राइंग है, इसको भी मैं जल्दी इसका भी ट्यूटोरियल अपलोड करूँगा वाटर कलर से। और ये देखिए तोता, इसका भी मैं, ये भी मेरा फेवरेट है लेकिन मैंने इसको कभी पूरा नहीं किया एक्चुअली, अब इसको पूरा करूँगा मैं। और इसमें कुछ है नहीं, ये है टोनी स्टार्क, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और आयरन मैन। अब देख सकते हैं मेरा स्ट्रोक कितना हार्ड, एकदम स्मूथ नहीं, हार्ड एकदम दिख रहा है। ये सौरभ खान का देखिए कितना हार्ड है, कितना हार्ड। और ये डुग्गू, ये मेरे बुआ का लड़का है, बहुत क्यूट है। इसके क्यूटनेस को मैं दिखा नहीं पाया पेन से ड्राइंग में क्योंकि ये बहुत हार्ड, उस समय मुझसे कंट्रोल नहीं होता था, पेन बहुत हार्ड चलता था, स्किन को नहीं पकड़ पाता था तब का। ये अभी मैं दिखाऊंगा आपको आज का मेरा क्या है इस, ये देखिए ये भी एक पेन ड्राइंग है जिसमें मैंने काफ़ी मेहनत की। और आज इसमें आप देख सकते हैं कि स्किन जो है मैंने काफ़ी हद तक उसको पकड़ने की कोशिश की, स्किन टोन को, कलर्स, लाइट, डार्क, डेप्थ, इस सब का मैंने अच्छे से इसमें प्रयोग किया है। और ये मेरा पहले का वर्क और ये मेरा आज का वर्क, आप देखेंगे और समझेंगे कि मतलब कितना मेहनत करा है मैंने इसमें, काफ़ी मेहनत करा है। अब देखिए स्किन टोन का एक एक टेक्चर दिखेगा आपको। और अब मैं दिखाऊंगा जिस पे मैं वीडियो बनाया था आज का वाटर कलर पोर्ट्रेट, कि पहले मेरा पोर्ट्रेट कैसा था और इस समय कैसा है, इसी को लेकर के। ये एक कैरिकेचर है जो कि मेरे बुआ के लड़के का है रिसु का, काफ़ी फनी था जिसे मैंने बनाया है। और ये मेरा एक्चुअली में काफ़ी हॉरिबल है इसलिए मैंने इसको कोई फाइनल नहीं किया, लेकिन मैं इसको फाइनल करूंगा बहुत जल्दी, इसका ट्यूटोरियल भी आपको दूंगा। ये मेरे सर हैं श्री शांति स्वरूप सिन्हा, इनका भी कैरिकेचर मैंने प्रयोग किया बनाया था। इसमें मैंने वाटर कलर का प्रयोग किया था और मार्कर से ड्रॉ किया था इसको आइवरी शीट पर, आप देखेंगे मैं जिस टॉपिक पे बना रहा था। मैंने कैरिकेचर में भी कुछ काम किया है। ये मेरे भाई साहब हैं विपुल कुमार, इनको भी मैंने ड्रॉ किया था।
और ये मेरे बुआ का लड़का शिवम, प्यार से हम लोग उसको पवन बुलाते। ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और ये है मेरे ब्रजेश भैया, मेरे सीनियर। इनका वाटर कलर मैंने पहले ही आपको दिखाया था, उनका भी एक कैरिकेचर मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं ये पुराना वाला ड्राइंग। अब मैं बनाऊंगा आपको वो दिखाऊंगा, आज का जो टॉपिक था वाटर कलर मेरा, आप देखेंगे कि मेरे पहले के पोर्ट्रेट में और आपके पोर्ट्रेट में क्या सुधार हुआ है वाटर कलर में, कलर्स में, ड्राइंग में, आप इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मेरा फर्स्ट ड्राइंग जो है ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने मोनोक्रोम में किया, लेकिन पोर्ट्रेट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए भी अधूरा ही है, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें पगड़ी का पीले कलर का उपयोग किया है। ये सेकंड पोर्ट्रेट देखिए आप, ये भी मोनोक्रोम ही है। और ये खलीफा, ये मेरे मोहल्ले का लड़का है, बहुत ही प्यारा है। और सेकंड जो है ये हमारे मोहल्ले की बगल की पड़ोस की लड़की है, इसका भी मैंने बनाया मोनोक्रोम में। ये है हमारे मोहल्ले के दादा मलिंगा, इसको हम लोग कहते हैं प्यार से। एक्चुअली इसे मैं वेट ऑन वेट टेक्निक से बना रहा था, और आप इसमें देख पाएंगे मेरे पूरे मेहनत को कि मैंने क्या किया है वाटर कलर में, कितना प्रोग्रेस हुआ है मेरा शुरू से अभी तक में। इसकी आँखें आप देखेंगे, आप इसके नाक, होंठ, बाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने काफ़ी मेहनत करी है इस पर और क्या सुधार हुआ है मेरे। और ये मेरा खुद का पोर्ट्रेट है, आप देखिए इस पोर्ट्रेट को, ये मेरा पोर्ट्रेट है, इससे मैंने फर्स्ट पार्ट ड्रॉ किया था। और ये जैसा कि हमें सब, मैं जिस काम में माहिर हूँ, ये अधूरा पोर्ट्रेट, ये भी पूरा कर ही लूँगा मैं कुछ दिन में, ये भी बहुत मस्त था। और ये ऋषि कपूर को ट्रिब्यूट के रूप में मैंने बनाया था। और इरफान खान, इनकी आँखें बहुत ही लाजवाब थीं, दमदार एक्टर थे ये बॉलीवुड के, और ये भी दमदार थे, बिहार किसान सुशांत सिंह राजपूत। और ये पोर्ट्रेट मैंने बनाया एक लड़की का पिंटरेस्ट से लेके। अब इसमें देखेंगे जो स्किन का कलर है, बालों का शेडो है, स्माइल है, इससे काफ़ी हद तक मैंने इसको फ्री एंड ड्राइंग किया है पहली बात तो। दूसरी बात, मैंने इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश किया है, और ये मतलब मेरा फेवरेट है कुछ हद तक। और ये मेरी फ्रेंड अंकिता तिवारी, सीज आर्टिस्ट, बनारस की है, एक्चुअली मूल रूप से बिहार की है लेकिन बनारस में रहती है, उसका मैंने पोर्ट्रेट बनाया है। आई होप उसको पसंद हो। और आज का वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने अभी किया है वीडियो बनाने से कुछ समय पहले, ये सॉफ्ट पेस्टल ड्राइंग। इसको मैं ट्राई कर रहा था कि सॉफ्ट पेस्टल में क्या मैं रियलिस्टिक काम कर सकता हूँ। आई होप जल्द ही मैं आपको ऐसा कोई वीडियो प्रोवाइड कराऊँ, ट्यूटोरियल प्रोवाइड।